जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जरा प्लीज स्केल्टन टेक्ट लेके आइएगा। डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, 7920 का प्राइस है आपकी स्क्रीन पर। और एक चीज इसके प्लीज डेली चार्ट देखिएगा, देखिए क्या कर रहा है ये। अब 83 से लेकर करीब करीब 89 के बीच में इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, लेकिन ये उसको भी बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ और अच्छा मूव दे रहा है स्टॉक। मेरी स्क्रीन पर शैल जी जो चीज अब स्क्रीन पर विजिबल है वो ये है कि अब एक कोई भी बड़ा सप्लाई जोन जो है वो करीब करीब 5-7 रुपए फ्रेश के डिफरेंस से ऊपर है। यानी अब कोई सप्लाई जोन आता है सिर्फ 85-86 और करीब करीब 89 के जोन में, लेकिन वहां तक की अगर आप देखें तो स्कोप इसमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? 80 अब आपकी स्क्रीन पे डी हाई पर रहा। मानस स्केल्टन टेक बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछले करीब 4 से 5 हफ्ते देखिए तो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की रैली देखने को मिल चुकी है, और पैटर्न को देख के बिल्कुल लगता है कि जो पिछला हाई था इसका 90-92 रुपए के आसपास, तो वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। और ध्यान रखिए वो वहां पर मल्टीपल हाईज पहले भी बने हैं, तो 90 और 92 की रेंज को आप अपने टारगेट बना के चल सकते हैं। लेकिन एक चीज मेंशन करूंगा कि अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो आप अब देर हो चुकी है। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 74 रुपीज का स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए 90 रुपए के टारगेट के लिए। एक्चुअली आप देखिए तो 1:2 का रिस्वॉर्ड बिल्कुल बैठता है अभी भी करंट लेवल्स में भी, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करंट लेवल्स में भी खरीदारी कर सकते हैं 74 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 90 रुपए के टारगेट के लिए।